और इस समय में हमारे देश में और दुनिया में 9 ऐसी चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है, जो मैं पहले लिस्ट कर देता हूं। जो 9 चीजें जो है वो देश को और दुनिया को करने की जरूरत है, जिसमें जो है ये चीजें जो है जल्दी टैकल हो पाएगी और दुनिया इसमें से जो है साल 2 साल में निकल पाएगी, उनको मैं एनलिस्ट कर रहा हूं। पहला है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, यानी जो है डायरेक्ट कैश बेनिफिट हम कैसे दे सकते, इसकी पॉलिसी होना चाहिए। उसके बाद में जो है कैश ट्रांसफर्स या इनकम ट्रांसफर्स के साथ में जो है टैक्स बेनिफिट्स होना चाहिए। फिर वेज सब्सिडीज होना चाहिए, इसके साथ डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, यानी कर्जे का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। उसके बाद में दुनिया भर में और देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो लगाने की जरूरत है। इसके साथ में जो है वर्कर्स प्रोटेक्शन हर लेवल पे, चाहे फॉर्मल सेक्टर में हो चाहे इनफॉर्मल सेक्टर में हो, वर्कर्स का जो है, एम्प्लॉयज का, लेबरर्स का जो है वो प्रोटेक्शन पॉलिसी होना चाहिए। इसके साथ में जो है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और नेशनल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर में क्लैरिटी से जो है वो काम करने की जरूरत है। इसके साथ इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस जो है उस पर जो है वो एक क्लैरिटी से सिस्टम बनाए जाने की जरूरत है, जो अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस में। और आखिरी कॉस्मो ह्यूमैनिज्म, अर्थात मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड द वर्ल्ड, साइंस, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स, साइंस एंड नॉलेज, साइंस एंड सॉल्यूशंस। ये चीजों को जब तक इंसान नहीं समझेगा, हमारी गवर्नमेंट्स नहीं समझेंगी, इंस्टीट्यूशंस नहीं समझेगी, तब तक इस तरह के जो फैटेलिटीज है, इस तरह के जो क्राइसिस है वो दुनिया में आते रहेंगे। तो मैं ये 9 चीजों को एनलिस्ट किया। इस बीच में भारत के अंदर में कई सारी जो है वो चीजें आ रही हैं, और मैं ये समझता हूं कि भारत के अंदर में 1.8 से लेकर 2.8% तक के जो वेरियस जीडीपी के प्रोजेक्शंस हुए हैं, जिसमें जो है मूडीज है, फिच है, वर्ल्ड बैंक है और IMF है, इन्होंने अलग अलग दर से भारत की जीडीपी इस समय में 1.8 से 2.8% ग्रोथ रेट होगा, इस बात की तरफ इंडिकेट किया है। लेकिन दो ऐसे जो है वो इसमें ओपिनियंस है, एक बाकलेस का जिसने पहले असेसमेंट किया था कि 2.5% से जीडीपी ग्रो करेगा, लेकिन जो लेटेस्ट बाकले का पिछला जो एस्टिमेट आया है वो कह रहा है कि इंडियन जीडीपी वुड बी 0% ग्रोथ रेट, जो है भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 0% होगी। और जो हमारे एक्स इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम जी, जिनका काफी जीडीपी कैलकुलेशन के स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशंस के ऊपर काफी स्टडी है, उन्होंने ये कहा कि वी शुड बी प्रिपेयर फॉर अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। 2020 में हमको जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट के लिए तैयार रहना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अरविंद सुब्रमण्यम जी की अगर बात को ध्यान में लिया जाए तो नेगेटिव ग्रोथ रेट, बाकलेस जीरो ग्रोथ रेट, और अगर वर्ल्ड बैंक, IMF और फिच और मूडी की बात करें तो मैक्सिमम 2.8 का प्रोजेक्शन हो रहा है। तो ये एक इकोनॉमिक पहलू है जिसके जो हमारे आगे में जो है वो आगे आ रहा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि मोदी गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट जो है ये आज भी जो है वो इनसेंसिटिविटी की हाइट कर दिया है, जो है मॉबिट जो है कंडीशन है, मकाबरे मोदी गवर्नमेंट जो है वो आज भी जो है वो भारत के जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो एस्टिमेट्स, दो अलग अलग एस्टिमेट्स आते हैं कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो काम के सिलसिले में अपने स्टेट्स को छोड़कर अलग राज्यों में जाता है, एक एस्टिमेट जो अमिताभ कुंडू जी का था वो 8.2 करोड़ से, यानी 8 करोड़ 20 लाख तक का उनका एस्टिमेट था। अब भारत सरकार के कुछ आंकड़े कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग भारत में लगभग जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और 13 करोड़ लोगों को ट्रेन से अपने अपने गांव में नहीं ले जाया जा सकता। इसमें प्रैक्टिकल बात है, ये बात सही है कि उनको अपने गांव नहीं ले जाया जा सकता, और मैं समझता हूँ कि शायद वो अपने गांव जाना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मोदी गवर्नमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनह्यूमेन जो है और एक मालियस के साथ एक्शन जो है वो मोदी गवर्नमेंट ले रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ये जो लोग हैं, अगर 13 करोड़ लोगों को अपने गांव गांव में नहीं ले जाया जा सकता है, तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन, 1 महीने से ये लोग जो है, लाखों लाखों लोग जो है वो रोड्स पर चल रहे हैं, और कहीं सामान है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कोई फिजिकली फिट भी नहीं है, फिर भी डेढ़ डेढ़ दो दो हजार किलोमीटर बॉम्बे से लेके गोरखपुर तक के, दिल्ली से लेके बिहार, दरभंगा तक, गया तक जो है, या बेंगलोर से लेकर जो है उत्तर प्रदेश तक,
या कहीं छत्तीसगढ़ तक, कहीं मध्य प्रदेश तक, कहीं उड़ीसा तक, कहीं राजस्थान तक ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो जाने के लिए तड़प रहे हैं, और कितने लोग रोड में चलते हुए मर गए या गांव में जाकर मर गए, इसका भी एक आंकड़ा जो है यदि निकाला जाए तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा जो है वो स्ट्रैगरिंग आंकड़ा आएगा। और यहाँ अगर हम 13 करोड़ लोगों को उनके घर नहीं ले जा सकते, और अगर लॉकडाउन कुछ दिन और बढ़ाने की यदि जरूरत है, वैसे तो इस पर भी हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि इसको कैसे ओपन अप करने की जरूरत है, क्योंकि स्टेट के नॉट ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पॉपुलेशन। ये तो अभी जो है वो इकोनॉमिक्स में प्रूव हो गया है कि राज्य यानी स्टेट की जो कैपेसिटी होती है, गवर्नमेंट्स की अपनी जो कैपेसिटी होती है वो अपने आप में पूरी नहीं होती। और अगर मैं भारत के जीडीपी की बात करूं तो केवल 13% लगभग जो जीडीपी है वो 13% जीडीपी वो गवर्नमेंट्स के पास में है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में है, और बाकी का जो लगभग 87% का जो जीडीपी है यानी 190 लाख करोड़ नॉमिनल प्राइसेस में अगर जीडीपी की मैं बात करूं तो जो 87% का जो जीडीपी है वो हाउसहोल्ड वेल्थ के पास में है और प्राइवेट सेक्टर के पास में है। तो एवरीवन टुडे इन द वर्ल्ड नोज दैट यू सी द स्टेट कैन नॉट यू सी टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कम्युनिस्ट मॉडल हैज ऑलरेडी बिकम अ फेल्ड मॉडल ऑफ द स्टेट सोशलिज्म इन यूएसएसआर। सो वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट यू सी ऑल दिस थिंग्स that the state cannot take the responsibility of each and everything. After all, you see, Adam Smith has been proven right that market dynamics, the market has a very significant role to play in the development of the people. So market jo hai aur state aur community ye teen logo ka responsibility basically hota hai. To government jo hai yadi pure logo ki zimmedari nahi le sakti to usko market ko open up karne ki zarurat hai. Ye ek baat badi important hai. Yahan jo baat par main focus karna chah raha tha कि अगर आप 13 करोड़ लोगों को अपने गांव तक वापस नहीं ले जा सकते, प्रैक्टिकली ये बात को हर कोई समझ रहा है, तो भई आपको जो है 2-4 हजार रुपया पर इंडिविजुअल या आपको 5 हजार रुपया पर परिवार जो है, आप जो है जो 10 लाख के ऊपर टैक्स देते हैं उनको आप अलग कर दीजिए, जो सैलरीड जो क्लास है उसको अलग कर लीजिए, चाहे गवर्नमेंट सैलरीड क्लास हो या चाहे MP MLA हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, जजेस हो। अब जजेस की सैलरीज को जो है वो कट क्यों नहीं किया 30%, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी को कम किया, मिनिस्टर्स की सैलरीज को कम किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज को कम किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर दिया, उनके डीए फ्रीज किया, यहाँ तक पेंशनर्स के डीएस को जो है आपने जो है वो फ्रीज कर दिया जुलाई 2031 तक, और आपने जितने इंटरेस्ट रेट थे इवन सीनियर सिटीजन की जो स्कीम थी जो पेंशनर्स लोगों की जिस पर उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता था वो तक आपने जो है 1.2% से जो है यानी 120 बेसिस पॉइंट से उसको आपने रिड्यूस कर दिया। तो आपने जजेस की सैलरी इसको क्यों नहीं साथ में जो है कम किया, आफ्टर ऑल दे आर आल्सो पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनको भी जो है शेड्यूल 2 के अंदर में उनका भी जो है लिस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे तो जजेस की सैलरी को भी जो है वो 20-30% जो है वो थोड़ा सा प्र्यून करना चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें कोई गलत नहीं, आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट कैन टेक सच अ डिसीजन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो मैं ये समझता हूं कि यहां पर अगर हम 5 हजार रुपया लगभग जो है अगर 25 करोड़ परिवारों को दे दे तो कितना पड़ता है, सवा लाख करोड़ रुपया पड़ेगा। 1.25 लाख करोड़ रुपया हमारा जीडीपी 190 लाख करोड़ का है, अगर 1.25 लाख करोड़ की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए आसानी से जो है 0.8-0.9% ऑफ द जीडीपी जो है उससे भी जो है ये कम जो है वो पैसा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि 25 करोड़ परिवारों को 5 हजार रुपये यदि दे दिया जाए तो वो जो अपने घरों में रहकर भी जो है वो आराम से जो है रुक सकते थे, जिधर है उधर है। अब आप उनको चावल दे देने से, आप दाल दे देने से आप जो है उनका किराया तो नहीं दे सकते, आप जो है उनको सब्जी भाजी के लिए, दूध फल फ्रूट के लिए, मेडिसिन के लिए पैसा तो नहीं दे सकते। तो इसलिए आपने कहा कि भाई हम आपको राशन दे देंगे, आपको चावल दे देंगे, आपको गेहूं दे देंगे, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वो तेल कहाँ से लाएंगे, वो नमक मिर्च कहाँ से लाएंगे, वो बाकी स्पाइसेस कहाँ से लाएंगे, वेजिटेबल्स कहाँ से लाएंगे, फ्रूट्स कहाँ से लाएंगे, एक हद बार उनको अगर चिकन मटन खाने की अगर इच्छा हो जाए न्यूट्रिशन के लिए तो वो कहाँ से लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा जो मैलिस है, सबसे बड़ी जो इनह्यूमैनिटी है, सबसे बड़ा जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने जो अधिक कोई किया है इस लॉकडाउन के अंदर। तो जो गरीब लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको जो है इनकम ट्रांसफर नहीं करना, मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी बात जो है
जो मोदी गवर्नमेंट का जो है इसमें फेलियर हुआ है। और भले ही हम कोरोना के साथ जितना टैकल करना है उन चीजों में सरकार और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को हम मदद करना चाहिए, लेकिन जहां डेलिबरेट पॉलिसी फेलियर किया जा रहा है उसको जो अपोजिशन पार्टीज है या रिस्पॉन्सिबल पार्टीज है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनको देश की पॉलिसीज की बहुत ज्यादा समझ है, उनको अब बोलने का समय आ गया है। इसलिए हम ज्यादा वोकल होकर, ज्यादा वोसिफोरस होकर अपनी ड्यूटी को अभी कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली ये पैसे को जो है वो नहीं दिया है। और अब तो जो आंकड़े जो आरटीआई से उभर कर आगे आ रहे हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो आरटीआई की और उसके पेपर में काफी न्यूजेस आई हैं कि 68,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इन्होंने चौकसी भाई का और मान लिया ये जो कंपनी थी पूरी इसको इस कोरोना बंदी के दौरान जो है वो माफ किया है। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ आप 68,000 करोड़ जो है या 69,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है आप माफ कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप जो है टैक्सेशन, जब आपके ही आईआरएस ऑफिसर्स ने कहा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाइए, अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाइए और बाकी टैक्स रिलैक्सेशंस कैसे कैसे किसको देना है, जब उन्होंने ही सिस्टमेटिक रिपोर्ट आपको दी जो फोर्स के नाम से, जो आईआरएस ऑफिसर्स के ने जो रिपोर्ट दी दैट ऑल्सो यू हैव नॉट एग्रीड टू। तो मैं ये समझता हूं कि कोरोना पेंडेमिक के बीच में भी जो मोदी सरकार की जो पब्लिक पॉलिसी है वो अभी भी कास्ट कैपिटलिज्म की है, इनइक्वालिटी को, पावर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाली ये नीति है। और मैं समझता हूं कि ये एक नए तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जो पैंडेमिक या डिजास्टर के अंदर में किया जा रहा है, क्योंकि जो ज्यादा 100 करोड़ लोग इसमें अफेक्ट हो रहे हैं वो इस देश के एस सी एस टी के, ओबीसी के, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग इसमें ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की और कास्ट कैपिटलिज्म की पॉलिसी है, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तरफ में लीड करती है, जहां आप इंसान के फंडामेंटल राइट को छीन लो, उसके लाइवलीहुड को छीन लो और बाद में आप उसको इनकम सपोर्ट भी ना करो, जबकि आपके किटी में, आपके टैक्सेस में, आपके बजट में जो है वो इतना पैसा है कि आप दे सकते हो उन्हें। तो मैं समझता हूं अगर उसके लिए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की जरूरत है तो वो कॉल किया जा सकता था और उसको जो है आपके बजट के जो भी फिनांस बिल्स है उसको अमेंड करके जो है ये किया जा सकता था। और अगर मोदी गवर्नमेंट इनिशियली अगर ये डिक्लेयर कर देती कि भाई हम पैसा दे रहे हैं आपको, आप चिंता मत कीजिए, तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग रोड, और जब पुलिस रोड पर उनको रोकती है और मारती है तो फिर वो रेलवे लाइन पर चले जाते हैं और वहां जो ये डेथ्स हो रही है और डेली हम अपने मानवता को खोते हुए देख रहे हैं, ये सीन्स हमने इटली में नहीं देखा, जर्मनी में नहीं देखा, जापान में नहीं देखा, साउथ कोरिया में नहीं देखा, अमेरिका में नहीं देखा जहां 70,000 लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन भारत में हमें ऐसा लग रहा है कि कोरोना से ज्यादा सरकार जो है वो लोगों को तकलीफ में रखना चाहती है। इस तरह का क्लियर पिक्चर जो है वो आ रहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर ये बड़ा एक पॉलिटिकल जो डिसीजन लेने की जरूरत थी पॉलिसी की, वहां मोदी गवर्नमेंट फेल हुई है, उस पर मैं जो है आपको जरूर जो है वो बताना, मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।